नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा किस तरह से करी जाती है, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद उसके सावधानियां और उसके लाभों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस मुद्रा को किया जाता है। सबसे पहले आपको मैट लेना है, हमेशा की तरह बैठना है, सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस मुद्रा, उस पोस्चर में बैठें। उसके बाद आपको आपके जो हाथ हैं इस तरह से होने चाहिए, एल्बोज आपके बाहर की तरफ, राइट और लेफ्ट। आपको लेफ्ट हैंड से सबसे पहले स्टार्ट करना है ये मुद्रा। इस मुद्रा में क्या होता है, दोनों हाथ एक दूसरे के सामने होते हैं और फिंगर्स आपके इंटरलॉक, मतलब आप इंटरलॉक इस तरह से करेंगे इस मुद्रा में। ओके, बिल्कुल बाहर नहीं, कई लोग ऐसे करके बस ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन इसको पूरा लॉक करना है, यहाँ पर फंसा देना है इस तरह से। और ये आपका जो अंगूठा है ये ऊपर की ओर, नीचे वाला अंगूठा नीचे की तरफ, इस तरह से रहेगा, एल्बो बाहर की तरफ। और आपका हाथ फेस के ऊपर ना रहे, ना नीचे ज्यादा रहे, आपके बिल्कुल हार्ट की तरफ, आपके बिल्कुल चेस्ट के सामने और हार्ट की तरफ ये रहेगा। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए इसको हल्का सा प्रेस करना है, मतलब लॉक करना है, लॉक जो आपने किया है उसको खींचना है हल्का सा, और रिलीज, फिर हाथों को ढीला छोड़ देना है। दोबारा करेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे और श्वास को बाहर की ओर, इनहेल और फिर बाहर की ओर एक्सहेल। इस तरह से मुद्रा करेंगे आप 5 times इधर कर सकते हैं, और फिर इस मुद्रा को चेंज करना है इसी तरह से, राइट हैंड से लॉक करते हुए सेम उसी पोस्चर में, इनहेल और एक्सहेल रिलीज। ध्यान रखेंगे इस मुद्रा में आपको जो आपकी जो फिंगर्स है ज्यादा लॉक नहीं करना है, पूरा खींचना नहीं है, मसल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको हल्का सा प्रेस करना है, श्वास को अंदर लेना है, ध्यान आपका श्वास की तरफ, और जो जहां पर खिंचाव हो रहा है आपको, खिंचाव करते हुए आपको मसल्स में खिंचाव होगा, फील होगा, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको ये मुद्रा करनी है। और फिर दोनों हाथों को रिलैक्स ज्ञान मुद्रा में लाकर आराम की स्थिति में बैठ जाना है। अब चलते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा भी हमें बॉडी में मिलती है। और इस आसन को करने से हमारी जो अपर बॉडी की जो मसल्स हैं, जैसे कि आपकी आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स, वो काफ़ी मजबूती मिलती है, काफ़ी स्ट्रेच आउट होती हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं। इस आसन से हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये मुद्रा हमारे हार्ट के लिए। हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट हो जाता है, इसमें खुल जाता है। जो लोग अक्सर खुद को दुखी, परेशान समझते हैं, हैवीनेस, डिप्रेशन होता है जिनको, उनके लिए मुद्रा बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। इससे हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है किसी को तो वो काफ़ी अच्छे से दूर भी हो जाती है। इस आसन से हमारी ब्रोंकियल ट्यूब भी है जो बहुत खुलती है, और इस आसन से हमारी जो बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। इस आसन को करने से आपके जो जो इंटरनली जो पावर है काफ़ी इंक्रीज होती है, और मन में काफ़ी शांति भी आपको फील होती है। इस आसन में आपको सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, मैंने अभी जैसे अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, कई लोग इस उंगलियों को काफ़ी खोल लेते हैं, खोलने के बाद इसको इस तरह से फंसा लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो भी आप अवॉइड करें। ज़्यादा श्वास को भरते हुए बिल्कुल खींचना ही है, नॉर्मली श्वास को अंदर लेते हुए रिलीज करना है। और ध्यान रखेंगे ज़्यादा अगर आपको आपकी नेक में पेन है या कंधे में किसी तरह की कोई इंजरी वगैरह है तो भी इस मुद्रा को नहीं करना है, क्योंकि जब आप खींचेंगे तो आपको पेन बढ़ सकता है इस एरिया की तरफ, तो आप या तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही करें, और अगर करें तो बस हल्का प्रेस करना है, या फिर आप प्रेस ना ही करें अगर नेक में ज़्यादा पेन है, इस तरह से बैठ जाएं। और इस मुद्रा में बैठने के बाद जब आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको शोल्डर पेन या आर्म में जो है स्ट्रेच पेन शुरू हो जाता है, तो इस एल्बो को सहारा भी दे सकते हैं आप, या फिर किसी मतलब मैट पे या फिर आप चेयर रखकर इस एल्बो को ऐसे सहारा देकर इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो ये थी कुछ हमारी सावधानियाँ और इसके लाभ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसके लाभों को देखें ज़रूर और डेली बेसिस पर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।